मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज पर। आज मैं आप सबके साथ कच्चे आम की चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कच्चे आम यानी कि कैरी, जिसे कुछ लोग कैरी भी बोलते हैं या फिर कच्चा आम बोलते हैं, इसकी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और गर्मियों में खाने का स्वाद काफी बढ़ाती है। गर्मी में अगर हम इस चटनी को खाएं तो लू लगने का भी खतरा कम होता है, क्योंकि इसमें पुदीना पड़ता है और पुदीना पेट को ठंडक देता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कच्चे आम की चटनी बनाना। इसके लिए मैंने लिए हैं कच्चे आम। मैंने एक बड़े कच्चे आम को छील कर उसके ऐसे बड़े बड़े टुकड़े कर लिए। साथ ही पुदीना है, इसके मैंने पत्ते निकाल लिए अच्छे से, मोटी डंडियां हटा दी और इसे धुल कर रखा हुआ है। 4 से 5 हरी मिर्च, 1 लहसुन जिसे मैंने छील लिया। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप लहसुन ना डालें। साथ ही है नमक, अदरक के कुछ टुकड़े और थोड़ी सी हरी धनिया। हरी धनिया मैंने कम ली है, पुदीना ज्यादा है और हरी धनिया कम है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं चटनी बनाना। सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें कच्चे आम के सारे टुकड़े डाल देंगे। साथ ही मैं धनिया भी डाल दूंगी। आप चाहें तो मिक्सी का बड़ा जार भी यूज कर सकते हैं, ये मिक्सी का जार थोड़ा छोटा है। सारे इंग्रेडिएंट्स हमें जार में ले लेने हैं। नमक भी मैं साथ में डाल दूंगी और अब इस पर ढक्कन लगाकर मैं इसे मिक्सी में चला दूंगी। इसमें हमें अलग से बहुत ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पुदीना और धनिया अपना पानी छोड़ता है, साथ ही केरी भी अपना पानी छोड़ती है। अगर हम जरूरत होगा तो हम 1-2 चम्मच पानी इसमें ऐड कर लेंगे। कच्चे आम की चटनी पीसकर तैयार है। इस चटनी को पीसने में मैंने 2 चम्मच पानी का यूज किया था और अब मैं इसे किसी बाउल में खाली कर लेती हूँ। आम की चटनी को मैंने बाउल में निकाल लिया है। ये चटनी बहुत ही टेस्टी दिख रही है। आप भी इस चटनी को घर में बनाइए, ट्राई करिए इस रेसिपी को और फिर खाने के साथ अपने घर वालों को परोसिए, उन्हें ये रेसिपी काफी पसंद आएगी। अगर आपको भी मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो पर लाइक का बटन दबाएं। थैंक यू।